धोनी ने सुपर शोडाउन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा 15 मैन बैटल रॉयल के मैच की बुकिंग को लेकर बात करेंगे। यहां WWE ने कौन सी बड़ी मिस्टेक की है और लास्ट ईयर के मुकाबले में इस दफा रॉयल रंबल की वैल्यू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, तो आज हम इस वीडियो में इन तमाम बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप सुपर शोडाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जहां जाकर आप ये सब कुछ जान पाएंगे कि क्या कुछ हमें सुपर शोडाउन में देखने को मिला। इसके अलावा सऊदी अरेबिया पहुंचने पर रेसलर का कैसे वेलकम किया और सऊदी अरेबिया आते हुए जहाज में क्या वाकया पेश आया, तो इन तमाम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपने 50 मैन बैटल रॉयल के मैच में देखा होगा कि यहां हमें WWE के बहुत ही ज्यादा सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, यहां तक कि रिंग में पांव तक रखने की जगह नहीं बचती। तो यहां अगर हम मैच की बुकिंग की बात करें तो यहां लास्ट में हमें NXT UK डिवीजन से मंसूर अल सहेल इस मैच को जीतते नजर आते हैं, जिसे अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में कोई भी फायदा WWE को इस विनर से नहीं होने वाला। इसकी बजाय अगर अली को यहाँ जितवा दिया जाता तो आने वाले वक्त में अली की भी वैल्यू बढ़ जानी थी इनके रोस्टर में और इसके अलावा इस मैच की भी, क्योंकि अली स्मैकडाउन के एक बड़े सुपरस्टार हैं। और इसके अलावा लास्ट टाइम अगर मैच की बात करें तो वहाँ WWE ने 15 मैन बैटल रॉयल को मेन इवेंट में करवाया था, जिसे ब्राउन स्ट्रोम मैन ने जीता था और वहाँ हमने एक बेल्ट भी देखी थी, जिसे WWE इस दफा सऊदी अरेबिया में एक मरतबा फिर 15 मैन बैटल रॉयल के मैच में लाकर इस मैच की थोड़ी सी वैल्यू को जरा बढ़ा सकता था। लेकिन यहाँ विनर भी WWE ने अपने बिजनेस को देखते हुए डिसाइड किया। इससे वहाँ बैठे क्राउड से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये WWE की तरफ से इन फ्यूचर या फिर इस मैच को लेकर एक बुरी चीज कह सकते हैं। इसके अलावा अली ने अपनी 15 मैन बैटल रॉयल के मैच को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की है और सुपर शो डाउन में अली को जितनी भी इनकम मिली है वो इन्होंने एक वाटर चैरिटी को डोनेट कर दी है। इस इनकम के बारे में बताते चलें तो सऊदी अरेबिया में तमाम रेसलर, ख्वा वो मिड कार्ड का रेसलर हो या फिर इससे भी नीचे, तो उसे WWE की तरफ से पुरकशिश इनकम दी जाती है। तो सुपर शो डाउन के मैच से मिलने वाली सारी इनकम स्मैकडाउन के सुपरस्टार अली ने डोनेट कर दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जाने से पहले अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सुपर शोडाउन का 15 मैन बैटल रॉयल के मैच कैसा लगा और इसकी बुकिंग को लेकर आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।